दौर से बड़ी खबर है, जहां पूर्व सांसद कृष्ण मुरारी मोघे का बयान, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो सकते हैं और भी विधायक। उनका ये कहना है, कांग्रेस में दम नहीं बचा है, अपने क्षेत्र के विकास के लिए भाजपा में आ रहे हैं। जो विधायक भाजपा में आ रहे हैं उन्हें पार्टी टिकट देगी। मालवा निमाड़ क्षेत्र के और भी विधायक कांग्रेस छोड़ सकते हैं। कांग्रेस विधायक को अपने पाले में शामिल करने के लिए बीजेपी ने कोई प्रयत्न नहीं किया। लोगों को ऐसा लगता है कि अब कांग्रेस के अंदर कोई दम नहीं, और कांग्रेस में रह के कोई न अपना न क्षेत्र का भविष्य है। स्वाभाविक है कि जो जनप्रतिनिधि है वो चाहते हैं कि अपने क्षेत्र का विकास हो, काम हो, और उस दृष्टि से यह निर्णय उनके व्यक्तिगत निर्णय है। चले तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पूर्व सांसद कृष्ण मुरारी मोघे ने बयान दिया है, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो सकते हैं और भी विधायक। उनका यह कहना है। चले दीपक यादव हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। दीपक, पूर्व सांसद कृष्ण मुरारी का यह बड़ा बयान है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कृष्ण मुरारी मोघे भाजपा के काफी वरिष्ठ नेता और संगठन में उनकी पकड़ जो है वो काफी मजबूत पकड़ रही, और खासतौर पर मालवा निमाड़ क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर वो कई सालों से काम कर रहे हैं। यहाँ से वो पूर्व सांसद भी रहे, इंदौर शहर के महापौर भी रहे, और संगठन में भी काफी बड़े उच्च पदों पर रहे। और जिस तरीके से फिलहाल कृष्ण कुमारी मोघे के पास में बदनावर उपचुनाव की कमान है, और कृष्ण कुमारी मोघे ने निश्चित तौर पर ये कहा है कि और भी जो विधायक हैं तो वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो सकते हैं, और उन्होंने ये भी संकेत दिए कि मालवा निमाड़ क्षेत्र के कुछ और विधायक हो सकता है कि आने वाले समय में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ जाए, क्योंकि वो अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं और अब जो है कांग्रेस में उतना दम नहीं रहा है। हालांकि इसके लिए भाजपा की तरफ से किसी तरह का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर कृष्ण कुमारी मोघे ने एक संकेत जरूर दिया है कि आने वाले समय में और भी विधायक कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ सकते हैं। इसके अलावा मोघे ने जो निमाड़ के कांग्रेस के बड़े नेता अरुण यादव, उन पर भी निशाना साधा है कि अरुण यादव की पकड़ जो है अब निमाड़ क्षेत्र में नहीं बची है। जो उनके पिता थे दिवंगत उप मुख्यमंत्री सुभाष यादव, जिस तरीके से उन्होंने क्षेत्र में पकड़ बनाई थी और उसके बलबूते पर ही अरुण यादव का राजनीतिक करियर बना था, लेकिन उस तरीके की पकड़ अब अरुण यादव की नहीं बची। और फिलहाल ये बड़ा संकेत है, और एक बात जो उन्होंने बड़ी कही है कि जो विधायक छोड़कर आ रहे हैं कांग्रेस में उन्हें टिकट भी दी जाएगी। चलिए तो उन्हें टिकट भी दी जाएगी, उनका कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए तो पूर्व सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता है कृष्ण मुरारी, जिन्होंने एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस में अब दम नहीं बचा है, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में और भी विधायक आ सकते हैं।